उनकी तो किस तरीके से वो आवाजें निकाल रहा होता है, तो बहुत ही बिल्कुल आखिरी वक्त में नमाज का सवाब बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अच्छा, अब आ जाइए, नमाज फजर का अव्वल वक्त कौन सा है? देखिए, नमाज फजर का अव्वल वक्त और जो वक्त फजीलत है वो सुबह सादिक से शुरू हो जाता है। जैसे ही सुबह सादिक हुई, उसका वक्त फजीलत और अव्वल वक्त दोनों शुरू हो गए। फिर आसमान पर एक हल्की सी सफेदी सी है, जो सफेदी फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती। अब जो नमाज फजर का वक्त फजीलत है, मसलन आज बिलफर्ज मैं एक सादा सी मिसाल लूं कि 6 बजे अगर नमाज फजर का वक्त शुरू होता है तो 6 बजे ही उसका फजीलत का वक्त स्टार्ट हो गया। लेकिन फजीलत का वक्त कब तक चलेगा? तो नमाज फजर के फजीलत का जो वक्त है वो 21 मिनट तक रहता है, 21 मिनट तक। यानी अगर 6 बजे नमाज फजर किसी ने पढ़ना, किसी की नमाज फजर का वक्त हुआ है तो 6:21 तक फजर का वक्त फजीलत रहेगा, फिर फजर का वक्त इज्जा शुरू हो जाएगा, यानी आम वक्त शुरू हो जाएगा, और वो आम वक्त चलता रहेगा यहां तक कि सूरज निकल आए और नमाज फजर कजा हो जाए। वो आम वक्त है, उसमें सवाब हजारों गुना लाखों गुना कम हो चुका होता है। लेकिन असर की नमाज का वक्त अपने मुकाम पर आएगा। अभी जोहर का वक्त फजीलत, जैसे ही मिसाल दे रहा हूं, जैसे आज 12:38 के ऊपर जैसे जोहर का वक्त आया, तो इसका फजीलत का वक्त भी 12:38 से ही शुरू हो गया। अब ये जोहर का वक्त फजीलत कब तक चलेगा? यानी जोहर के वक्त फजीलत का दौरानिया कितना है कि आप कहें कि मैंने नमाज जोहर को उसके फजीलत के वक्त में पढ़ा? तो 1:40 तक जोहर का वक्त फजीलत रहता है, 1:40 तक, 1:40 तक जुहर का वक्त फजीलत रहता है। 12:20 पर नमाज जुहर का वक्त आया है, तो उसमें 1:40 आप ऐड कर लें, यानी दोपहर के 2 बजे तक नमाज जुहर का वक्त फजीलत रहेगा। देखिए, जुहर का 1:40 था, उसके अव्वल वक्त से लेकर 1:40 तक। नमाज असर की फजीलत का दौरानिया, यानी जिस वक्त आपने नमाज जोहर पढ़ी 4 रकत की, वो टाइम आप निकाल दीजिए, और वहां से कैलकुलेशन आप शुरू करें, तो नमाज जोहर के अव्वल वक्त से 2:50 बाद असर का वक्त फजीलत शुरू होता है। नमाज जोहर का जो अव्वल वक्त है उससे 2:50 के बाद नमाज असर का वक्त फजीलत शुरू होता है। अव्वल वक्त यानी वक्त आम तो पहले से चल रहा है, अपने जोहर अभी 1 बजे नमाज जोहर पढ़ी, फौरन असर पढ़ ली, वो भी बिल्कुल जायज है। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि मैं नमाज असर को उसके वक्त फजीलत पे पढ़ूं, तो नमाज जोहर को आप 1 बजे पढ़ लें या 12:38 पे जैसे आज पढ़ ली, उसके 2:50 के बाद नमाज असर को पढ़ेंगी तो वक्त फजीलत बहुत ही ज्यादा मिलेगा आपको, यानी बहुत ज्यादा नमाज की फजीलत बढ़ जाएगी 2:50। और फिर ये चलेगा कब तक? यानी 2 घंटे अब नमाज जोहर के अव्वल वक्त से 2:50 के बाद तो असर का वक्त फजीलत आगा सिस्तानी या इमाम खुमैनी वगैरह, इसमें थोड़ा सा वैसे इख्तलाफ है, लेकिन एक रफली मैं आगा सिस्तानी का ही मसला इस वक्त बता रहा हूं कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी है, लेकिन दीगर जैसे आगा खुई के एतबार से तो नमाज जोहर के फौरन बाद ही असर का वक्त फजीलत शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई आगा सिस्तानी का मुकल्लिद है या और मराजे का भी, तो एक रफली में आपको आगा सिस्तानी का तो खैर बिल्कुल ही तकरीबन एक्यूरेट उन्होंने टाइमिंग इसके जो है वो बताए हुए हैं, खासतौर इस मंतके और इस इलाके के अंदर, यानी ये टाइम जोन जो हमारा पाकिस्तान का, इंडिया का, ईरान का, इराक का वगैरह का है, तो इसको बंद कर दीजिए वरना इसमें आवाज आएंगी। तो दो जोहर नमाज जोहर से 2:50 के बाद जो अव्वल वक्त था जोहर का, उससे 2:50 के बाद नमाज असर का वक्त फजीलत शुरू हो, और ये कब तक चलेगा? ये 42 मिनट तक चलेगा।